इस टोमेटो सूप को आप केवल 5 मिनट में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, बबताज किचन पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। टमाटर का सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम टमाटर को अच्छे से साफ़ कर लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। अब इसमें साथ ही आधा कप पानी डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल देंगे और हल्का सा इसे हम मिक्स करके मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, जिससे टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट बाद वापस ढक्कन खोलकर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम चला चला कर इस तरह से ठंडा होने देंगे। जब ठंडा हो जाए उसके बाद मिक्सी जार में डालकर इसका हम बारीक प्योरे बना लेंगे। यहाँ पर मैंने टोमेटो को पीस कर इस तरह से पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब सेम पैन में एक छोटा सा बटर का टुकड़ा डालेंगे और बटर को हल्का सा इस तरह से मेल्ट होने देंगे। अभी हम फ्लेम को एकदम लो ही रखेंगे जिससे बटर हमारे जले ना। तो अब इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच मैदा डालेंगे और मैदा को बटर के साथ 1 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसमें हम बना हुआ टोमेटो प्यूरे डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट को हम स्ट्रेनर की सहायता से इस तरह से छानकर डालेंगे। इस तरह से छानकर डालने से टमाटर के सूप हमारे बहुत ही टेस्टी और पीते समय जो भी उसके छिलके और बीज वगैरह होते हैं मुंह में नहीं आएंगे। टमाटर को पीसने के बाद जो भी मोटे पार्ट्स थे, बीज वगैरह, वो छन गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे हम साइड में कर देंगे और अब इसे हम 1 से 1.5 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के जितना इसमें हम चीनी डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हम फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे और बस इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को घुल जाने तक इसे हम मिक्स करेंगे। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इस सूप को आप सर्व कर सकते हैं ब्रेड के करारे स्लाइस के साथ। तो ब्रेड को आप थोड़ा सा बटर या तेल से हल्का सा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे सेक लीजिए और गर्मा गर्म सूप का आनंद लीजिए। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, बहुत ही कम समय में बनने वाली टमाटर की सूप बनकर तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस टमाटर के सूप को हम गार्निश करेंगे क्रीम और हरे धनिए के साथ, ताकि लगे कि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। तो इस तरह से हम इसे क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। आई होप मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।